एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोमाली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो हम एक्चुअली में कई तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो बहुत ही मतलब नॉर्मल, जो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से भी एसेंशियल ऑयल यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ऐसे 5 वेज मैं आपको बताऊंगी इस तरह से आप एसेंशियल ऑयल को अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आज जो मैं एसेंशियल ऑयल यूज करने जा रही हूँ वो है गुड वाइफ का, ये लेमन एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल एंड ये है ट्रिट्री एसेंशियल ऑयल। और आज ये तीनों ऑयल से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है। ये जो गुड वाइफ के एसेंशियल ऑयल से है, तो इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस बॉटल में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 10 ml और इसका प्राइस है 145 rupees। पर ये 145 यहाँ पे MRP है, पर इससे भी कम में आपको मिल जाएगा क्योंकि अभी purple.com पे कुछ ऑफर चल रहा है, तो मैक्सिमम 110 से 120 तक आपको मिल जाएगा। तो इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि एक एक मैंने कितने से लिया है, और ज़्यादातर टाइम purple.com पे ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है, तो इस तरह से आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक एसेंशियल ऑयल के लिंक मैंने दे दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसका एक खास बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादातर एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं कि इसमें फ्रेग्रेंस तो होता है, जब हम ऐसे स्मेल करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा स्मेल तो आता है, पर ज़्यादा टाइम तक ये नहीं टिकता। कुछ टाइम के बाद ही ये जो है इसका जो फ्रेग्रेंस है ये बिल्कुल चले जाते हैं और ये बस एक ऑयल बन के रह जाता है। ये जो गुड वाइब्स के एसेंशियल ऑयल है इसे मैं कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मेरे डे टू डे लाइफ में इसे मैं कई तरीके से यूज़ कर रही हूँ। बस इसका 5 वेज मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए अभी देर ना करके शुरू करते हैं वीडियो। मुझे चाहिए कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैंने लिया है गुड वाइब्स के कैरियर कोकोनट ऑयल। इसके साथ मैं ऐड करूँगी लेमन एसेंशियल ऑयल और फिर इस ऑयल को पूरे बालों में स्कैल्प से लेके एंड तक अप्लाई करना है। तो इससे क्या होगा कि कोकोनट ऑयल का जो बेनिफिट है हेयर में वो तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल में ज़्यादातर अच्छा खुशबू नहीं होता है, तो लेमन एसेंशियल ऑयल में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग खुशबू है। यहाँ तक कि हेयर वॉश करने के बाद भी इसका जो खुशबू है ये नहीं जाएगा, इतना अच्छा स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है इसका। और इसके अलावा भी लेमन एसेंशियल ऑयल का और एक गुण है, स्कैल्प पे अगर कोई भी इन्फेक्शन या तो डैंड्रफ है तो उसे भी बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देते हैं। 1/2 कप ऑफ वाटर लीजिए और उसके साथ ऐड कीजिए 8 to 10 drops ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब भी आपको लगेगा कि आपके हेयर में गर्मी के वजह से पसीने की कुछ बदबू या बैड स्मेल ऐसा कुछ आ रहे हैं तभी इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप चाहे इस बॉटल को आपके साथ कैरी कर सकते हैं, और जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो तभी आप हेयर में इसे अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छे खुशबू भी आएगा और उसके साथ साथ आपको बहुत फ्रेश फील होगा। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा राइस वाटर, एक्चुअली राइस को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रख दिया है, और फिर पानी का जो कलर है वो अपने आप व्हाइट होता गया। तो ये है एक्चुअली राइस वाटर जो हम फेस या तो हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी राइस वाटर में मैं अप्लाई करूंगी 10 to 15 drops ऑफ लेमन एसेंशियल ऑयल और एक कॉटन पैड के थ्रू अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी। तो इससे क्या होगा कि गर्मी के सीजन में जो हमारे स्किन पे जितने भी डर्ट्स पॉल्यूशन आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्रीसीनेस ऑयली ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, तो इससे अपने फेस को क्लीन करने से जो है बहुत अच्छी तरह से क्लीन अप हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लेमन एसेंशियल ऑयल का जो एक बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है वो आपके मन को भी बहुत खुश कर देते हैं, और ऐसे थकावट में जब आप इसे यूज़ करेंगे तो फ्रेश फील कर पाएंगे। आपके जो रेगुलर के फेस क्रीम है उसके साथ आप ऐड कीजिए 2 to 3 drops ऑफ टी ट्री ऑयल। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स के मल्टीविटामिन फेस क्रीम, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप फेस में इसे अप्लाई कर लीजिए। अगर फेस में कोई भी रैशेज या तो पिंपल या एक्ने है तो वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, अगर स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो भी बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। समर सीजन में ज़्यादातर टाइम काम करते हुए या अगर आप बाहर जाते हैं तो उस टाइम में भी ज़्यादा टाइम हमें स्वेट आ जाते हैं, तो एक एसेंशियल ऑयल अगर आप अपने पर्स में रखते हैं या तो अपने घर में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसका जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही अच्छा होता है बिल्कुल परफ्यूम की तरह, तो इसका एक छोटा सा 1 या 2 drop अगर आप अपने हाथों में या तो शोल्डर में या तो बॉडी के किसी भी हिस्से में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस आता रहता है पूरे दिन भर के लिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वीडियो को आप एक लाइक दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह से आगे से और भी अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करते रहना मेरे इस चैनल को. तब तक के लिए बाय बाय.